ये देखें जी, ये इटालियन कॉफ़ी मेकर है। हाँ जी, इसमें हम डालेंगे यहाँ तक पानी, ठीक है। हाँ। इसके ऊपर ये हम फिल्टर सा लगा देंगे। हाँ, अब इसके ऊपर ये कॉफ़ी भी इटालियन है जी। हाँ, ये देखें, इटली से आई है जी। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी, कॉफ़ी डालेंगे इतनी। इसको ऊपर से बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना। हाँ, नहीं करना। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दबाना नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, अब इसको हमने इसमें डालना है, इसके ऊपर रख देना है। हाँ, रख देना नीचे क्या ऐसे। अब ये जो पार्ट है ना इसका, ये जो खाली वाला है, ये इसके ऊपर आएगा। नीचे हमने पानी डाला है, पानी के ऊपर ये कॉफ़ी वाला पार्ट है। तो कॉफ़ी सारी है जो ना, जब नीचे पानी में स्टीम बनेगी या पानी बॉइल्ड होगा ना, इसके बीच में आ जाएगी ऊपर वाला जो छोटा सा जग है। फिर हम इसको, अगर किसी ने ब्लैक कॉफ़ी पीनी है तो वो ब्लैक पिएगा, अगर किसी ने मिल्की कॉफ़ी पीनी है तो वो मिल्की कॉफ़ी पिएगा। तब इसके बाद हम बंद करेंगे इसको, अच्छे से बंद करना। कॉफी दूध भी बॉइल्ड हो गया, गैस का फ्लेम बहुत तेज है क्योंकि गैस वैसे नहीं आ रही, हमने साथ में कंप्रेसर चलाया हुआ है। ओके, अब हम ये बंद करेंगे गैस को। ये देखें जी, हमने बस इतने से फ्लेम पे इसको चूल्हे पे रख दिया है कि फ्लेम जो है ना वो इसके हैंडल तक ना पहुंचे, ठीक है। गर्म तो इसने ऑलरेडी होना ही होना है, लेकिन फिर भी हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे। अभी जब ये बनेगी तो तब भी आपको दिखाएंगे। ये कॉफ़ी हो गई है जी रेडी, मैंने बंद कर दी है उसको, और ये अब मैंने इसमें डाल दी है सारी, ठीक है। ये इटालियन कॉफ़ी मेकर है और कॉफ़ी भी इटालियन है, ठीक है। मैंने इसमें देसी तरीके से इसलिए बनाई है कि बच्चे भी मांग रहे हैं, ताकि सभी को इक्वल टेस्ट मिले, किसी में कम या ज़्यादा ना हो। ये देखें जी, ये हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई है। ये फुल भरा हुआ कप मेरा है, मैं पीऊँगी फीकी कॉफ़ी और बच्चे पियेंगे मीठी वाली।